गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रॉल पे फिर से आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, मतलब कि सुबह मॉर्निंग से 6:30 बजे के आसपास मैं उठा हुआ हूँ और ये जो दिन है ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब कुछ करने को नहीं होता है तो दिन काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर मैं सुबेरे से निकल जाता कहीं घूमने फिरने या ब्लॉग शूट करने के लिए तो दिन मुझे छोटा लगता है, लेकिन जब मैं घर में रहता हूँ ना तो कुछ करने को होता नहीं है, मतलब कि समझ में नहीं आता क्या करूँ। वेब सीरीज भी देख रहा था मैं तो उतना कुछ खास सीरीज है नहीं अभी फिलहाल। मिर्जापुर मैंने देखा, बहुत बकवास लगा मुझे। फर्स्ट सीजन था वो काफी अच्छा था, सेकंड सीजन बहुत बकवास लगा मुझे, जो होना चाहिए एक्चुअल में उस तरह का मूवी नहीं बन पाया। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो भाई देख लेना, अभी तो सबके पास में पर्याप्त समय है। तो अभी मैं फटाक से रेडी हो जाता हूँ, फिर आप लोगों को ले चलूंगा संडे मार्केट। अब देखते हैं क्या माहौल है संडे मार्केट का, और कुछ शॉपिंग भी करने है मुझे, तो फटाक से रेडी होते हैं। ये देखिए लगना स्टार्ट हो गया है संडे मार्केट, अभी त्यौहार का सीजन है करके ये भाई सब कपड़े लगाए हुए हैं। देखो टी शर्ट, पूछते हैं इससे कितने कितने का टी शर्ट है भाई, कितने कितने का टी शर्ट है? 200, 250 से 300 और शर्ट कोई सा भी ले लो। देखते हैं यार, फटा उटा तो नहीं रहता ना। ये ठीक लग रही है, ये कहाँ से आता भैया कपड़ा? ये मुंबई? तो ये टी शर्ट कितने बोले? 200, 250, 300। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। और तो गाइस यहाँ पे 250-300 में टी शर्ट शर्ट वगैरह मिल जाएंगे। ये लोअर लगा के रखे हुए हैं, ब्लैंकेट, देख ले गुड्डू। तो यहाँ पे भाई जी लगाए हुए हैं, कितने का भैया? सोफा कवर है कि चादर है ये? सोफा कवर है, चादर है। सोफा कवर कितने का है? सोफा कवर आपका 500 का है, वो 300 रुपये जोड़ी चादर। अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ मैं। कितना बोले? 300। डबल बेड वाली क्या? 300 में दो? बढ़िया दिख रहा है। कम नहीं होगा क्या? नहीं, एक रेट वाले ना सर, हम एक रेट वाले हैं। इधर में चादर 300 रुपए जोड़ी, कोई भी कोई कलर बहुत प्यारा है, देखो कोई कलर बहुत अच्छा। तो कुछ भी कम नहीं करोगे? इसमें कम ही नहीं होता सर, हम लोग एक रेट रखते हैं। आप जो मार्केट में जाओगे दुकान में 500 रुपए जोड़ी बताएगा इसी में। वो तो ठीक है, इतनी बड़ी चादर है, ये पकड़ी रेडी है, खुला रखते चलो ठीक है। तो गाइस मैंने आपको रेट बतला दिया है, अब यहाँ पे दुकान भी लगे हुए हैं। 250 में दो ना, 280 दे दो। अरे 250 में दे दो, वो वाला चाहिए, वो वाला।
अरे वो वाला रख लो ना, वो तो कलर बहुत बेस्ट है। नहीं ये वाला चाहिए। यहाँ पे देखो गर्ल्स के लिए पूरा लगा हुआ दुकान है। जहाँ पे मेरे को लग रहा वहाँ पे मैं दिखला रहा हूँ। देखो सैंडल आए हुए हैं, ये देखिए सैंडल भाई। कितने कितने का सैंडल? 100 रुपया कोई भी। जूते रखे हो? जूते जूते आपके लिए तो नहीं होगा। नहीं होगा, सैंडल मिल जाएगा। 250 बोल रहा है। नहीं भाई, अरे भाई जूते रखे हुए भाई साहब। कितने कितने का जूता? कोई सा भी? अरे वाह, 250 रुपये में। परमानेंट दुकान है जो लगे हुए हैं। ईयरफोन की भी दुकान है, आप आके ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कुछ लगना स्टार्ट हो चुके हैं, जूते चप्पल सैंडल ये बैग वगैरह। और यहाँ पे देखिए चिंदी के भाव में बेच रहे हैं भाई साहब। 50 रुपये में कोई भी छाट के ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। जितना जल्दी आओगे अच्छे अच्छे कपड़े आपको मिलते रहेंगे 50-100 रुपये में। कोई सभी उठा के ले जा लो। कप वगैरह रखे हैं, वॉच रखे हैं। एक्चुअल में मम्मी मेरे को बोली थी कि कप लेके आना करके, तो मैं कप का रेट पूछता हूँ, इससे आपको भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए कपड़े लगे हुए हैं। भैया कप का क्या क्या रेट है? 50 का 6। अरे वाह, 50 का 6 है। कोई भी ना, मेरे को यही दे दो फिर। देख लीजिए सर, फूटा वूटा तो नहीं है ना? नेशनल वाला देख लो अपने से। हम दे देंगे, बोलेंगे फटा दे दिए भैया। ये फटा था ऊपर से, आपने दिया। बढ़िया, ठीक है। कुछ रखे हो पॉलिथीन? अब घर छोड़ के आना पड़ेगा इसको। गाइस तो मैं सामान छोड़ के आ चुका हूँ। सामान छोड़ने के लिए घर गया हुआ था, उसको मैंने दिखलाया आप सभी को, आप लोगों को दिखलाते हुए गया था। यहीं से मैंने कप लिया था गर्ल्स के लिए। यहाँ पे कुर्ती है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे चूड़ी कंगन का पूरा दुकान लगा हुआ है। और वही है ब्लैंकेट है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पर आप जो रेट बताते हैं उस रेट पर कभी मत खरीदिएगा। मोल भाव बिल्कुल कर सकते हो आप। जैसे कि 200 रुपये का चीज़ है तो आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे। तो मार्केट लगना स्टार्ट हो गया है, संडे मार्केट। और इस साइड की बात करूँ तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी भीड़ है इस साइड। ये सब सैंडल जूती सब खरीदने के लिए आए हुए हैं। और वहाँ पे लगा है टॉप, ये जूते का है। 250 रुपये में जूते वगैरह सब दे रहे हैं। आप आते हो ना तो यहाँ पे आप शर्ट देखते हो, टी शर्ट देखते हो, तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कहीं फटा तो नहीं है। और ये है बेल्ट की दुकानें हैं, मच्छरदानी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा काफ़ी भीड़ हो चुकी है इस साइड में। ये वाली अंदर में भी मार्केट लगी होती है। देखिए कितना भीड़ है वहाँ पे। आपको जो पसंद आएंगे ना उसका रेट आपको थोड़ा सा 50-60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि वही सब चीज़ से हम लोग कमाते हैं। ये देखो ठेला लगा के रखे हुए हैं कपड़ों का। इस साइड भी देखेंगे तो कप के दुकानें हैं, वॉच के, और यही झाड़ू। पर्स कितने कितने का पर्स पूछता हूँ भाई, कितने कितने का पर्स? स्टार्टिंग कितने से है? अलग अलग है, फिर भी कितने का होगा ये? 250। उसके बगल वाला वो कितने? और स्कूल बैग ऐसा है क्या? ठीक है। और ये वाला
चक्का वाला है। अच्छा, और ये वाला आपका 380 का, 380 बिना चक्का वाला, बिना चक्के वाला है, इसमें चक्के लगे हुए हैं। और इससे बड़ी में आती है जो ये सबसे छोटा है। अच्छा, बड़ा है और बड़ा से और बड़ा मिल जाएगा, उसका 4 का सेट आता है। अच्छा, ऐसा है। तो ये लोअर पूरा लगा के रखे हुए भाई सामने लोअर की दुकान। ये रहा दुकान, नए नए दुकान खुल गए हैं भाई। तो यहाँ भी जूते सैंडल के दुकान भाई साहब ने खोल के रखे हुए हैं, और इस साइड में तो परमानेंट दुकान लगते हैं। आपको बस घूम घूम के दिखला रहा हूँ मैं, और जहाँ मुझे लग रहा है कि इस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए वो चीज़ आपको पूछ कर बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको कपड़े का रेट तो बता दिया हूँ, 100 से चालू है, जो 250, 300, 400 तक गया है। देखो सब निकाल रहे हैं ना, छाँट छाँट के निकालना पड़ता है, और आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, फटे भी मिल जाते हैं। वो देखो 150-250 में बेच रहा है। अरे वाह, अंसारी बिरयानी, ये कब खोल दिया भाई? यहाँ पे कितना क्राउड है। जितना सवेरे आओगे उतना आपको कपड़े अच्छे मिलेंगे। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी मिलते थे, लेकिन अभी तो नहीं मिल रहे हैं। आपको अंदर भी ले चलता हूँ, इसके अंदर में भी मार्केट लगा हुआ है। तो ये रहा मार्केट अंदर का, यहाँ से अंदर ही अंदर आप फरीदनगर जा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, सब त्यौहार में ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, और गर्मी कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। रंग बिरंगे कपड़े, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। इस साइड में थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है आपको। अरे भाई साहब, क्या है ये? ये है इलेक्ट्रॉनिक दुकान। घर को सजाने के लिए लाइटिंग है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं।